मिल जाएगा यीशु मसीह का नाम। आमीन। विश्वास करना है, कह रहा पवित्र आत्मा आज आपकी जिंदगियों में काम करेगा। आज का हमारा टॉपिक है शैतान की चुनौतियों का सामना कैसे करें। देखो अय्यूब ने कैसे सामना किया। हो सकता है आप में से यहाँ पर कोई बैठा हो, उसके साथ रोज कोई ना कोई एक परेशानी खत्म होती हो, दूसरी स्टार्ट हो जाती हो। आपके घर में एक झगड़ा खत्म होता हो, दूसरा फिर खड़ा हो जाता हो। आप एक बार डॉक्टर पर जाते हो, लेकिन अगली बार फिर आपको दूसरे बच्चे को डॉक्टर पर लेकर जाना पड़ता हो। इसका मतलब रोज कोई आपके घर में कोई शैतान आपको चुनौतियों पर चुनौतियां, चुनौतियों पर चुनौतियां, आपका चैलेंज पर चैलेंज कर रहा है, आपकी परीक्षा पर परीक्षा ले रहा है, आपको बार बार परीक्षाओं में घेर रहा है। लेकिन आज याद रखना, कह रहा जितने भी यहाँ पर बैठे हैं सब लोग आज से शैतान के चैलेंज से जीत जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। कह रहा वो चार तरीके आपको लिखवा रहा हूँ फटाफट। कह रहा अपने विश्वास को बाहर निकालना है, अपने फेथ को बाहर निकालना है। मतलब जब भी आपको लगे कि मेरा चुनौती भरा टाइम आ गया है, कोई परीक्षा का टाइम आ गया है, उसी समय आपको घबराना नहीं है और डरना नहीं है। आपको कहना है कि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। करें दूसरा प्रभु बोझ। करें जो व्यक्ति प्रभु बोझ लेता है, परमेश्वर उसकी जिंदगी में नई नई आशीषों को ट्रांसफर करता है। वो शैतान की पावर को लूज कर देता है, जो शैतान के अंदर जो बैटरी भरकर भेजता है लूसीफर। जिस दिन आप प्रभु बोझ ले लेंगे, पूरे महीने के लिए आपके ऊपर से कर शैतान के सारे हथियार डिसमिस हो जाएंगे। आमीन। जो उसकी योजनाएं फेल हो जाएंगी, क्योंकि वो उन लोगों का पीछा करता है जो पाप करते हैं। और जो प्रभु बोझ लेते हैं वो हमेशा प्रभु बोझ लेने से पहले परमेश्वर को बोलते हैं, परमेश्वर मुझे माफ कर, मैं आज से तेरे पीछे चलना चाहता हूँ। ये बात शैतान को सबसे ज्यादा चुभती है। हालेलुया। इसलिए कह रहे हैं कि तीसरा आराधना प्रार्थना करें। कह रहे हैं कि आराधना प्रार्थना करें बगैर जो लोग घर से बाहर निकलते हैं, कह रहे हैं शैतान उनको चैलेंज दे सकता है, लेकिन जो आराधना प्रार्थना करने वाले, डेली प्रार्थना करने वाले, रेगुलर प्रार्थना करने वाले लोग हैं, उन्हें चैलेंज नहीं दे सकता वो। हालेलुया, हालेलुया। सब वॉलंटियर नीचे बैठ जाओ, कोई खड़ा नहीं होगा वचन में। हाँ हाँ। और अभिषेक के साथ जुड़ना, सुन रहे हैं कि नहीं? कर अभिषेक दास के साथ अगर आप जुड़े हुए हैं, मैं कह रहा हूँ कि आपकी चुतौनियाँ, चुनौतियाँ, जो भी आपको चैलेंज दे रहा है, मैं कह रहा हूँ उस चैलेंज के बीच में यीशु मसीह आकर खड़ा हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। विश्वास करना आज आपको, अगर आपके साथ एक अभिषेक दास की अगुवाई में आप चलते हैं तो परमेश्वर आपके मुसीबतों के बीच में खड़ा हो जाएगा। क्यों? यीशु मसीह मुसीबतों के बीच में क्रूस पर लटका दिया गया, उन चुनौतियों को ले लिया उसने, क्रूस पर ले लिया मेरे और आपके लिए। कह रहा इनको कोड़े मारे जाएं, कह रहा मैं खाऊंगा, इनका लहू बहाया जाए, कहता मैं बहाऊंगा, इनके सिर पर कांटों का ताज रखा जाए, कह रहा मैं रखूंगा। उसने हर चुनौती को स्वीकार किया, मैं कह रहा हूँ जो, और उसके बाद परमेश्वर ने उसको वो नाम दिया जो पूरी दुनिया में महान हो गया, यीशु मसीह का नाम में। याद रखना, डरना नहीं है, आपको किसी बात से घबराना नहीं है। अगर आपकी परीक्षाएं आ रही हैं तो वो परीक्षाएं आपको गिरने के लिए नहीं, आपको बढ़ाने के लिए आ रही हैं। आमीन। आपको गिरने के लिए नहीं बुलाया गया। बाइबल में लिखा कि अगर धर्मी जन 7 बार गिर भी पड़े तो भी उठ खड़ा होगा। आमीन। इसका मतलब अगर आपको कोई गिरना चाहता है तो ये विश्वास करना, आज रात फिर से आप तरक्की करने के लिए तैयार हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आपकी जिंदगियों में कुछ करना चाहता है। आपको दानियल 3:17 में पढ़ते हम, देखो एक शद्रक मेशक और अबेदनगो के साथ क्या हुआ। हाँ हाँ। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, राजा ने क्या किया, राजा ने इन तीनों को, क्योंकि ये प्रार्थना करने वाले, आराधना करने वाले और पवित्रता से चलने वाले लोग थे, और इन्होंने क्या किया, इन्होंने उस समय में कि जब ये प्रार्थना कर रहे थे तो उसी समय राजा ने क्या किया, राजा ने इनको एक चैलेंज दे दिया। राजा ने क्या किया, चैलेंज दे दिया। क्या चैलेंज दिया, कि तुम जिसकी प्रार्थना करते हो क्या वो तुम्हें बचाने की भी शक्ति रखता है। उन्होंने कहा हाँ। कहता ठीक है, कहता आज मैं तुम्हें आग के भट्टी में डालूंगा, धधकती आग की भट्टी में, देखता हूं तुम्हारा परमेश्वर बचाता है कि नहीं। इसका मतलब क्या है, हो सकता है शैतान भी आपके विचारों में चैलेंज दे रहा हो आपको। आप बीमारी में हो, आपके पड़ोसी आपको बोल रहा हो। हम जब बीमार होते हैं तो आपके पड़ोसी आपको बोलते हैं क्या तेरा परमेश्वर अब नहीं तेरे को बचा सकता। वही होती है आग की भट्टी। उसी समय अगर आप नेगेटिव बात करते हैं तो आप हार जाते हैं, लेकिन आप पॉजिटिव बोलें। जैसा देखो क्या बोला शद्रक मेशक ने, हाँ पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा, हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं,
वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। हालेलुया, हालेलुया। वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ाने की शक्ति रखता है। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा, क्या कहा उन्होंने? करे चैलेंज दिया उसने, लेकिन उन्होंने चैलेंज को स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा, शत्रक मेशक अभिनंदन ने बोलते करेगा, देखो करे राजा करे के तू डाल दे हमें, लेकिन हमारा परमेश्वर हमें बचाने की शक्ति रखता है। याद रखना, जितने लोग यहाँ पर कोई किसी समस्या को झेल रहे हैं, आज हाथ उठाकर कहो कि हमारा परमेश्वर हमें हर समस्या से बाहर निकालने की ताकत रखता है, यीशु मसीह के नाम में। जितने आमीन बोल रहे हैं, आजाद हो जाओ आज। आमीन। उन राजा ने जब आग में डाल दिया, तो उसी समय राजा जब सोने चला गया और उसके बाद सुबह उठ कर आया, तो उसके बाद कह रहा होगा, अब तो शत्रक मेशक ऐसे कर रहे होंगे अंदर, हाँ जल गया, आग। लेकिन जब राजा झांकने के लिए गया, कह रहा गड्ढा खोलो, कह रहा ढक्कन हटा इसका, और जैसे ही ढक्कन हटाया तो क्या देखता है, कह रहा बेहोश हो जाता राजा, कहता हिल जाता, कहता ये क्या, कहता मैंने तो इसमें तीन लोग डलवाए थे, इसमें चार कहां से आ गए। हालेलुया। उसको चार लोग घूमते हुए दिखाई दे रहे थे आग की भट्टी में, आराधना करते हुए, प्रार्थना करते हुए, उसके कान फट रहे थे। उसने कहा, आराधना प्रार्थना तो ठीक है, मैंने तो तीन डाले थे, चौथा कौन है? ध्यान से क्या देख रहा था, बाइबल में लिखा, हाँ पढ़ेंगे 3:25 में क्या। उसने कहा, हाँ अब मैं देखता हूँ कि चार पुरुष आग के बीच में हाँ खुले हुए टहल रहे हैं, खुले हुए टहल रहे हैं, और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची, और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंच रही, और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र का सदृश्य है। हालेलुया, हालेलुया। और करे चौथे आदमी का रंग करे परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के जैसा है। हालेलुया। उसका शरीर, उसका रंग रूप, उसका नक्शा पुराने नियम में भी यीशु मसीह बचाने की ताकत रखता था। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? पैदा भी नहीं हुआ, बचाने पहुंच गया। हालेलुया। इसका मतलब समझ में आया? कह रहा कि आज आप कितनी बड़ी तकलीफ में क्यों ना हो, लेकिन आपको शैतान ने कोई परीक्षा में घेर रखा हो, लेकिन जितने लोग आज विश्वास कर रहे हैं, अपने फेथ को बाहर निकालना है। यहाँ पर शद्रक मेशक ने अपने फेथ को, तीनों ने बाहर निकाला। बाहर निकाला कि नहीं? वो ये भी कह सकते थे, नहीं नहीं अंकल, राजा तू जो कहेगा कर लेंगे, भाग जाते हैं वहां से। लेकिन उन्होंने क्या कहा, कह रहा हम परमेश्वर के लिए कह रहा कुछ भी करने के तैयार हैं, क्योंकि जानते हैं, कहते हैं वो हमें बचाने की शक्ति रखता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कल मोहल्ले में आपको तीन लोग मिले और आपको कहें चलो आग की भट्टी में डालते हैं, आप वचन सुन के आयो, वहां बुद्धिमानी करनी है आपको, आप इतने पावरफुल नहीं हो अभी, मेरी बात सुन रहे हो कि नहीं? ये पावरफुल थे, इनके पास तरीका था। आप परीक्षा में क्यों गिरते हैं? अगर आप ये तरीके समझ गए जो मैंने लिखवाए आज, करा फेथ को चौड़ा करना, फेथ को बाहर निकालना, ये मुंह से बाहर निकालना है, करा प्रॉब्लम का दी एंड होता है जो मुंह से बाहर निकाल रहे होते हैं फेथ को। आज इन्होंने प्रॉब्लम को दी एंड कर दिया उस समय जब इन्होंने मुंह से कहा, कह रहे कि परमेश्वर हमें बचाने की शक्ति रखता है, लेकिन परीक्षा को इनको झेलना पड़ा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बीमारी कोई आएगी नहीं, बीमारी आएगी, लेकिन आपको मार नहीं सकती, क्योंकि परमेश्वर आपको बचाने की शक्ति रखता है। आमीन। याद रखना, ये पवित्र आत्मा की ओर से बात है। अगर आज आप विश्वास करते हैं तो कोई जन यहाँ से खाली हाथ वापिस नहीं जाएगा। आमीन। हालेलुया। बोलने वाले आ, हालेलुया। हर मुश्किलों परेशानियों से बाहर आएंगे आज। आमीन। क्या तैयार है आज आप? यस। उठाऊं और कहूं कि परमेश्वर मुझे बचाने की शक्ति रखता है, परमेश्वर मुझे बचाने की शक्ति रखता है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। मेरे चर्च में एक लेडीज आती थी व्हील चेयर पर 1.5 साल से, और उसके ऊपर परीक्षा थी, और वो बार 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 मतलब कि जब भी वो उस समय व्हील चेयर पर आती तो उस समय बार बार एक बात कहती रहती कि परमेश्वर तू मुझे कब चंगा करेगा, मेरी परीक्षा कब खत्म करेगा। लेकिन एक दिन उसने अपॉइंटमेंट लिया और कहने लगी, पास्टर मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मेरे साथ ही क्यों ये चुनौती भरा टाइम आता है, मेरे साथ ही इतनी परीक्षा क्यों, मेरे ऊपर इतना प्रॉब्लम क्यों। मैंने कहा विश्वास कर बहन, आज प्रभुबोझ है, प्रभुबोझ लेकर जा। जब वो प्रभुबोझ लेकर गई और उसके बाद अपॉइंटमेंट करा कर गई, रात को ड्रीम्स में उसके प्रभु ने उसको दिखाया और उसी रात को मुझे दिखाया और मुझे कहा इसके लिए उठ और प्रार्थना कर, और मैं घुटनों पर बैठ गया
मैंने कहा इसको क्या पता प्रार्थना करिए कि नहीं करी, लेकिन चलो परमेश्वर कह रहा करते हैं। मैंने कर दिया और उधर उस बहन को सपने में मेरे चेहरे में जाकर यीशु मसीह ने उसको कहा उठ खड़ी हो, और वो पूरे घर का चक्कर काटने लगी। हालेलुया हालेलुया। कुछ लोग सोचते हैं कि शायद मैं हाथ रखूंगा तब काम हो जाएगा, लेकिन नहीं, कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है परमेश्वर किसी को वहीं चंगा करे, किसी को बाहर निकलते चंगा करे, किसी को घर पे पड़े पड़े चंगा करे। आमीन। अन्य भाषा जब मिलती है किसी को हाथ रखने से मिलती है। हालेलुया। कि कोई सो रहा होता है उसको जब मिल जाती है, कोई गा रहा होता है बाहर सड़क पे उसको मिल जाती है। इसलिए लिखा कि अंत समय में करण सबके ऊपर अन्य भाषा को उतारूंगा यीशु मसीह के नाम में। समझने के नहीं करें, इसलिए आपको विश्वास करना है कि आज करें हर व्यक्ति आज अपनी जिंदगी में वो आशीष को लेकर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। करें उस औरत को विश्वास हो गया कि पास्टर जी जो कह रहे थे वो सच हो गया, और वो आई चर्च में और यहाँ पर आकर गवाही देकर गई थी। हालेलुया। पवित्र आत्मा मैं कह रहा हूँ कि आज व्यवस्था विवरण 32 का 11 पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा। हालेलुया। जैसे उकाब अपने घोंसले को हिला हिला कर अपने बच्चों को ऊपर ऊपर मंडलाता है, वैसे ही उसने अपने पंख फैलाकर उसको अपने परों पर उठा लिया। बोलो हालेलुया हालेलुया। कह रहा है कि एक चील, चील क्या करती है, चील जाती है बाजार में और जिसमें बाहर से तिनके इकट्ठे करके लाती है। तिनके इकट्ठे करने के बाद वो एक घोंसला बनाती है, ऊपर सबसे ऊपर ले जाती है घोंसले को, और वहां पर जाकर एक घोंसला बना देती है। उसके घोंसला बनाने का ऊपर टारगेट क्या होता है कि कोई कुत्ता बिल्ली जानवर आकर इस घोंसले को खाए ना, और उसमें तिनके रखती है अलग अलग से, उसको लिए प्राणी लेकर आती है। प्राणी मतलब गद्दे, मतलब मुलायम, मेरे बच्चों को तिनके ना लगे। तो उसी समय जब वो रखते हैं तो उसी समय होता क्या है, और बच्चे पड़े हुए उसमें पता क्या कर रहे हैं, आ हा कूद रहे होते हैं, कितने अच्छे मम्मी ने गद्दे बनाए हैं, वाह कूद रहे होते हैं। और एक दिन चील आती है, अपने बच्चों को देखती है कि उसी में कूद रहे हैं, बस उससे बाहर जा ही नहीं रहे, और आकर अपने चूंच से और घोंसले को ऊपर से नीचे गिरा देती है, और बच्चे गिर जाते नीचे। बच्चे नीचे गिरते कहते हाँ हमारी माँ कितनी खराब है, आत्महत्या करवा रही हमारे से, हमारे को खुद मार रही है, कितनी खराब माँ, पहले रजाई लाई, पहले गद्दे लाई, और अब जो है हमें ऊपर से गिरा दिया। और इसी समय हाय हाय कर रहे होते हैं, दूसरा बच्चा कह रहा होता है, तीसरा कह रहा होता है यार थोड़ी देर में हम नीचे गिरने वाले मरने वाले हैं, चौथा कह रहा होता है कह रहा बे कुछ ये बराबर में पंख से लगे इसे हिला के देख लेते हैं। उन्होंने हिला के देखा, कहता हम तो उड़ने लगे आज। हालेलुया हालेलुया। समझ में आया कि नहीं? कह रहा बहुत बार जब पहली बार चर्च में आते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, एक साल हो जाता है, मसीह में आते हैं, तो उस समय हम क्या कर रहे होते हैं, हम कह रहे होते हैं यार परमेश्वर की प्रार्थना भी करते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं, फिर भी दुखा अंडिया, फिर भी कर जा अंडिया, पंजाबी बोलते हैं अंडिया, कह रहे के कर जा आ रहा है, मुसीबत आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, फिर भी समस्या आ रही है, क्यों आ रही है? परमेश्वर कह रहा है जब आप अपनी जिंदगी को कंफर्टेबल बना लेते हैं, कितने लोगों को पता है जब हम कंफर्टेबल हो जाते हैं, कंफर्टेबल घोंसले में कंफर्टेबल हो गए थे बच्चे, ठीक है आप 6 महीने के हो गए, 9 महीने के हो गए, अगर आपका बच्चा 1 साल की माँ गोदी में खिला रही है मेरा चुन्नो, दूसरे साल खिलाएगी वो उसको गोदी में, नीचे उतारेगी, चल चल चल, नहीं चलता डॉक्टर पे ले जाएगी, नहीं चल रहा भगवान के पास चलो, उसके घर में चलो, परमेश्वर कुछ करो। परमेश्वर कह रहा है कि अब सुन, तू चाहती है इसको चलाना, लेकिन मैं चाहता हूँ तेरी जुबान को, तेरे हाथों को ताड़ियां बजाना सिखाना चाहता हूँ आज। हालेलुया। मैं चाहता हूँ कि तेरी जुबान खुले, तेरा मुंह खुले। आमीन। कह रहा है कि आप जब प्रार्थना में मुंह खोलते हैं तो आप कंफर्टेबल जिंदगी से बाहर आ जाते हैं यीशु मसीह के नाम में। समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहा कंफर्टेबल हो गए थे आप। करा अब्राहम के साथ क्या हुआ? अब्राहम के साथ, अब्राहम को 90 साल तक बच्चा नहीं है, कंफर्टेबल लाइफ बता रहा है, नहीं डेली प्रार्थना, डेली सुबह शाम प्रार्थना, पति पत्नी 90 साल तक। कोई अपराध करते हैं छोटा भी तो माफी मांगते हैं परमेश्वर से, लेकिन उसी समय थोड़े दिन के बाद क्या हुआ, जब बच्चा हो गया
उसके बाद बाइबल बोलती है उत्पत्ति 22:2-21 लिखा, करा कंफर्टेबल हो गया था। परमेश्वर ने कहा अब्राहम जो बच्चा मैंने तुझे दिया है इसको ऊपर लेकर आ जा और आज रात करा मुझे चाहिए और चाकू उठा और बलिदान कर दे, इसकी बलि चढ़ा दे। उसने क्या किया, उसने बच्चे को उठाया लेकिन चल पड़ा और इसी समय बच्चा कह रहा पापा सवेरे सवेरे कहां लेके जा रहे हो, कह रहा बेटे घुमाने ले जा रहा हूं, प्रार्थना करने जा रहे हैं वेदी पर, वेदी पर ले गया, पहाड़ी पर ले गया और चक्कू उठाया। अब तक तो ठीक था, बच्चा चिल्लाया पापा 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 मैं तेरा पापा हूं, पापा मैं तेरा बच्चा, पापा करा मैं चल, पापा बच्चा अपू चप्पू बंद कर, कह रहा जो परमेश्वर ने कहा वो मुझे करने दो। उसने चक्कू उठाया मारने लगा, तभी परमेश्वर की आवाज आई अब्राहम रुक जा, कह रहा तू आज पास हो गया है। हालेलुया हालेलुया, समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे हाँ कि ना? यस। लेकिन जब संडे आता है तो इसी से मैं बाप कहता है चलो अब्बू चप्पू खड़ा हो, संडे आ गया चल चलेंगे। माँ कहती है बच्चा कह रहा मम्मी मम्मी पापा को देखो ना, बोलो ना छुट्टी आज के दिन, सोने दो ना। और इसी समय माँ कहती है कोई नहीं तेरे प्यो नु मैं देख लियांगी, मैं अड़के खड़ी हो जाएंगी 60 क्विंटल दी गई, अड़के खड़ी होती है, लेके दिखा लेके जाके दिखा, तू जा कर ला चर्च, मैं चलती तेरे नाल बच्चे नु सोन देना। अब्बा चप्पा चप्पा थोड़े दिन बच्चा चॉकलेट खाता टॉफियां खाता बीमार हो जाता हॉस्पिटल में पड़ जाता जाकर, कंफर्टेबल लाइफ बिता रही थी ना, उसके बाद झूले ले दिए हॉस्पिटल में बच्चे के साथ। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? कह रहे हैं परमेश्वर ने आपको एक संडे का दिन दिया, उस दिन भी आप अपने बच्चों के ऊपर तरस खा रहे हैं। अरे मंडे तरस खाओ, ट्यूजडे भी तरस खाओ, सैटरडे भी खाओ, संडे मत खाना। इसलिए यीशु मसीह ने कहा तेरे 6 के 6 घड़े भरे होंगे तो कह रहे तुम्हारे घर से तुम्हारी दुकान से रस टपकेगा, से कह रहे कंफर्टेबल हो जाते हैं हम कंफर्टेबल लाइफ जब जीने लगते हैं तो परीक्षा उन लोगों के जीवन में आ जाती है, मुसीबतें उन लोगों के जीवन में आती हैं जो लोग अपनी लाइफ में कंफर्टेबल जीना पसंद करते हैं। कि पहले सुबह आज तो मैच आ रहा है क्रिकेट का, रात को आज नहीं, आज तो फिल्म आ रही है मर्द मैं हूं तांगे वाला, हाँ वही देखनी है, बेवकूफ कहीं का मर्द तांगे वाला, तांगे ही चलाएगा सारी जिंदगी। फिर सुन रहे हैं आप, कह रहे वो ऐसी ऐसी फिल्में देख रहे हैं फिर क्या बनोगे तुम? कह रहे कि कंफर्टेबल हो जाते हो जब, कह रहे जब आप बाइबल पढ़ते हैं प्रार्थना करने का जीवन आप लागू करते हैं तो परमेश्वर उसी समय कह रहे हाथ उठाकर आपके चैलेंज को, शैतान के चैलेंज को स्वीकार करता है तुम्हारे लिए कि मेरे बच्चे हुए पर कितनी भी परीक्षा हो ये मेरा है और मेरा रहेगा यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और बोलो कि परमेश्वर मुझे बचाने की शक्ति रखता है, परमेश्वर मुझे बचाने की शक्ति रखता है। अपने पड़ोसी को पूछो कंफर्टेबल लाइफ को छोड़ देगा नहीं तो तेरा घोंसला हिलाया जाएगा। बोलो हालेलुया हालेलुया, भेजू आज एंजल को घोंसला हिलाए आपका। यस हालेलुया हालेलुया, आपका घोंसला आपकी कार हो सकती है, आपका घर हो सकता है। जब भूकंप आया हिमाचल में, बाढ़ आई, सारों के घोंसले लगे, सारे नीचे उतर के इधर आ रहे हैं, कोई जलंधर में घर बना रहा है, कोई चंडीगढ़ में घर बना रहा है, कोई मोहाली में घर बना रहा है। क्यों भाई? घोंसला हिल गया, ऊपर वाले ने हिला दिया है। आप समझ रहे हैं क्यों हिल गया? क्योंकि जब इंसान परमेश्वर की भक्ति करना छोड़ देता है, सच्चाई पर चलना छोड़ देता है तो उसके कंफर्टेबल जिंदगी को हिलाया जाता है। हालेलुया, इसलिए लेकिन उनको गिराने के लिए नहीं, उनकी बढ़ोतरी करने के लिए परमेश्वर ने हिलाया है। हालेलुया, शैतान रोज किसी न किसी को मारना चाहता है, शैतान रोज किसी न किसी को करा बेहोश करना चाहता है, लेकिन परमेश्वर आपको ऊपर ऊंचाई पर रखना चाहता है यीशु मसीह के नाम में। आज से तुम्हारे हाथ उठने वाले, हालेलुया बोलने वाले, हालेलुया, आपके घोंसले हिलेंगे नहीं, तरक्की करोगे तुम। आमीन, कह रहे हैं कि आज से तुम बढ़ते चले जाओगे। आमीन बोलने वाले, आमीन। हम पढ़े उत्पत्ति 2:17 में, देखो हाजिरा नाम की एक लेडीज थी और क्या हुआ हाजिरा के साथ, हाजिरा को परमेश्वर ने रानी बनाया, नौकरानी थी ये, अब्राहम के घर में काम करती थी, लेकिन भूल गई है ये औरत के परमेश्वर ने तुझे क्या बनाया, परमेश्वर ने तुझे क्या बनाया। तेरा कैमरा नहीं चल रहा लड़की, तो तेरे को क्या बनाया,
राजा अब्राहम ने और सारा ने, अब्राहम ने उसको अपनी पत्नी बना लिया और परमेश्वर ने उसको रानी का अधिकार दे दिया और उसके बाद उसको बच्चा हो गया, क्योंकि अब्राहम के पास सारा के पास बच्चा नहीं था। और जब उसने शादी कर लिया उससे बच्चे के लिए, उसके बाद वो उसको चिढ़ाने लगी सारा को, देख तेरे पास बच्चा नहीं है, अब तेरा अब्राहम भी मेरे से प्यार करता तेरे से नहीं करता। और इसी समय वो औरत परेशान हो गई, एक चुनौती खत्म होती दूसरी आती थी, लेकिन उस समय में उसने विश्वास रखा परमेश्वर पर और अपने पति को बताया, और अब्राहम को गुस्सा आया और उसने उसको घर से निकाल दिया। और बाइबल बोलती है कि जब वो घर से निकाल दी गई, उसने उसको जो कुछ देना था सब देकर और उसको एक गधे पर बिठा कर निकाल दिया खच्चर पर उसके लड़के को, कि ले जा इसको, चली जा यहाँ से। मतलब फूल गई थी ये, परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में कितना बड़ा उपकार किया। और जब ये बुराई पर उतर आई कि भलाई के बदले तूने बुराई करना शुरू कर दिया है, जब इंसान भलाई के बदले बुराई करता है तो उसकी कंफर्टेबल जिंदगी को हिलाया जाता है, उसके घोंसले को हिलाया जाता है, लेकिन गिराने के लिए नहीं। ये नौकरानी से रानी घर में चली गई, लेकिन जब ये कंफर्टेबल थी तो इसकी जिंदगी हिला दी गई। इसको पति को छोड़ना पड़ा, उसका घर छोड़ना पड़ा, उसको दूर रहना पड़ा। क्यों? क्योंकि कंफर्टेबल थी वो। प्रार्थना करना छोड़ दिया है, बच्चा मिल गया है, परमेश्वर की ओर देखना छोड़ दिया है, लोगों के साथ प्यार से बात करना छोड़ दिया है, तमीज से बात कर रही है। जिसने तेरे साथ भलाई किया उसके साथ बदतमीज से बात करते हैं लोग। जिस जो तुम्हें चर्च में लेकर आया, जो तुम्हारे लिए प्रार्थनाएं करता है पास्टर, कह रहे कि यहाँ पर, कह रहे कि आपने अब उसके लिए दुआ करना छोड़ दिया है। हालेलुया। कंफर्टेबल लाइफ बना ली है, प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो गया। और इसी समय देखो क्या लिखा यहाँ पर, हाँ हाँ, परमेश्वर ने उस लड़के की सुनी और उसके दूत ने स्वर्ग से हाजिरा को पुकार के कहा, हे हाजिरा, तुझे क्या हुआ? मत डर, क्योंकि जहाँ तेरा लड़का है वहाँ से उसकी आवाज परमेश्वर को सुन पड़ी है। उठ, अपने लड़के को उठा और अपने हाथ से संभाल, क्योंकि मैं उसके द्वारा एक बड़ी जाति को बनाऊंगा। तब परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी और उसको एक कुआं दिखाई पड़ा, तब उसने जाकर थैली को जल से भरकर लड़के को पिलाया। सुन रहे कि यहाँ पर कह रहा है कि हाजिरा परेशान हो चुकी है, निराश हो चुकी है, क्योंकि इसका कोई नहीं है, लेकिन इसका मुंह जब तक नहीं खुला प्रार्थना के लिए, जब तक इसके पास पानी था, लिखा जब पानी खत्म हो गया तो उसी समय, जब खाना खत्म हो गया बच्चे के लिए, दूध खत्म हो गया, तो इसने अपने बच्चे को मरते हुए झाड़ी में छोड़ दिया। और इसी समय रोने लगी परमेश्वर के सामने, दुहाई देने लगी, अपने कर्मों को, अपने कामों को कोसने लगी और कहने लगी, हे आसमान के खुदा, कह रहा मेरा रब, कह रहा मैंने ऐसे कौन सा गुनाह किया है कि मेरा बच्चा मरने पर है, मुझे घर से निकाल दिया। जब हमारी जिंदगी में मुसीबतें आती हैं, परेशानियां आती हैं, तो हम ऐसे ही सवाल करते हैं परमेश्वर से, करते हैं कि नहीं, हाँ या ना, हम ऐसे सवाल करते हैं परमेश्वर से। सो रहे लाली तू उधर, ऐसे सवाल करते हैं परमेश्वर से हम कि परमेश्वर कि मैंने ऐसी कौन सा गुनाह कर दिया है, कौन सी गलती कर दी है। और उसी समय इसने हाथ उठाकर परमेश्वर को कहा, इसने कहा परमेश्वर मेरे बच्चे पर दया कर। और उसी समय परमेश्वर देख रहा था इसके रोने को, इसके गिड़गिड़ाने को, और ये सोच रही थी कि मैं कितनी अच्छी रानी के महल में जीवन जी रही थी, लेकिन मेरा घोंसला हिला दिया गया, मुझे निकाल दिया गया। फिर ये एक नौकरानी का जीवन बिता रही है, लेकिन उसी समय क्या हुआ, उसी समय जब ये पछताई, पश्चाताप किया, रोई, क्योंकि इसने अपने पंख को हिलाना सीख लिया था, इसने अपनी जुबान के पंख को हिलाना सीख लिया, अपने हाथों को हिलाना, आसमान की ओर उठाना सीख लिया था। हालेलुया। लिखा तभी परमेश्वर की आवाज आई, कह रहा हाजिरा तेरे बच्चे के रोने की आवाज, तेरे प्रार्थना करने की आवाज, तेरे चिल्लाने की आवाज, चर्च आपके हालेलुया बोलने की आवाज, हालेलुया आपके हाथ उठाने की आवाज, आमीन। लिखा हाजिरा परमेश्वर के कानों में सुनाई पड़ चुकी है। हालेलुया। आज के बाद परमेश्वर का एक स्वर्गदूत आएगा नीचे और कहेगा हर एक जन से जिसको लग रहा है कि शैतान मेरी परीक्षा ले रहा है, आप घबराना नहीं। आपको लग रहा हो सकता है आपकी परीक्षा ले रहा हो और आप डर गए हो कि शायद परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है, हाजिरा ने गलती किया तो भी परमेश्वर ने उसको छोड़ा नहीं है,
अगर आपके साथ मुसीबत ना होती, कोई परीक्षा ना होती, तो आप सब मेरे चर्च में नहीं आने वाले थे। सही है कि नहीं? आपके साथ कोई परीक्षा आई तो मैं शैतान का धन्यवाद करता हूं, थैंक यू, तू इन सबको ले आया, हालेलुया। आप समझ रहे हैं, कह रहे हैं कि इसका मतलब परीक्षा आपकी बढ़ोतरी के लिए है यीशु मसीह के नाम में। इस औरत को पता लग गया कि मेरी लाइफ में अगर ये दुख ना आता, मेरा बच्चा ना भूखा मरता, मुझे घर से ना निकाला जाता, तो मैं परमेश्वर के प्लान को ना जानती। लेकिन क्या था परमेश्वर का प्लान? इसमें लिखा, इसी के बीच में कह रहा, मैं तेरे बच्चे से एक बहुत बड़ी जाति बनाऊंगा। हालेलुया। कह रहा तेरे बच्चा एक बहुत बड़े झुंड का अगवा होगा। हालेलुया। ये परमेश्वर है। अगर आज आप किसी दुख में, तकलीफ में, समस्या में, याद रखना आपको हाथ उठाना है, आज आपको पंख चलाने सीखने, आज आमीन। मैंने जो सिखाया आप सीख गए कि नहीं? आपने पंख चलाना सीखा कि नहीं? आज जिसने हाथ उठाकर कहा है परमेश्वर मैं आज से तेरे पीछे चलूंगा, मैं आज से कंफर्टेबल लाइफ को छोड़ दूंगा, मैं आज से भलाई करना शुरू करूंगा, मैं इसी समय पवित्र आत्मा जी आज से हाथ उठाया करूंगा, प्रार्थना करूंगा परमेश्वर मैं इस समय पवित्र आत्मा तेरे चरणों में आता हूँ और तू मेरे साथ भलाई कर परमेश्वर। मैं कह रहा हूँ आज पवित्र आत्मा कह रहा है जिन्होंने प्रार्थना करना सीख लिया, अपने फेथ को मुसीबतों में बाहर निकालना सीख लिया। आमीन। इस समय कह रहा है बाहर निकालना सीख लिया। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता वो आज से बढ़ोतरी करेंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आज से आप बढ़ोतरी करेंगे यीशु के नाम में। आमीन। फिर से दिखा रहा हूं 20 में, देखो क्या लिखा, कैसे बढ़ोतरी उसकी। माइक की आवाज खोलो। तब परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी, उसकी आंखें खोल दी और उसको एक कुआं दिखाई पड़ा, उसको एक कुआं दिखाई पड़ा। तब उसने जाकर थैली से जल को भरा, उसने थैली डाली और पानी मिल गया। हालेलुया। याद रखना, आज हो सकता है आप विदेश जाना चाहते हो लेकिन आपको वो कुआं दिखाई ना दे रहा हो, आप गवर्नमेंट जॉब चाहते हो लेकिन आपको गवर्नमेंट जॉब का कुआं दिखाई ना दे रहा हो। याद रखना, जितने मुझे लाइव देख रहे हैं आज के बाद, जितनों ने ये सीख लिया कि मैं आज से परमेश्वर फेथ को छोड़ा करूंगा, परीक्षा में भी परमेश्वर तेरा धन्यवाद करूंगा, परमेश्वर करा आज रात मैं तेरी आंखें खोल दूंगा, तुझे कुआं दिखाई देगा। आमीन। तेरा एक नया बिजनेस का कुआं दिखाई देगा। आमीन। तेरी गवर्नमेंट जॉब का कुआं दिखाई देगा। आमीन। तेरी चंगाई का कुआं तुझे दिखाई देगा। आमीन। आमीन बोलने वालों को कुआं दिखाई देगा आज। आमीन। हालेलुया। बोलने वालों को नजर आए आज। हालेलुया। क्या आप तैयार हैं कि नहीं वो कुआं देखने के लिए? Yes. सारे बोलो हालेलुया। तैयार हैं? वो कुआं दिखाई देगा आज। एक लड़का था और उसी समय वो रोज चढ़ जाता, एक लड़का ये रोज चढ़ जाता और जब जा रहा होता तो उसी समय क्या होता इसके साथ, इसको खड्डा नहीं दिखाई देता और खड्डे में गिर जाता ऐसे, और वाइट कमीज पहन रखी खड़ा हुआ, इसके कपड़े गंदे हो गए। इसने कहा ओहो सारे कपड़े गंदे हो गए, अब चर्च में कैसे जाऊं, चलो घर चलता हूं कपड़े बदल कर आता हूं। ये घर गया, उसने घर से कपड़े बदलने की बजाय कपड़े भी बदले और कह रहा चल जब मैं घर आ ही गया अपनी बहन को भी आ जा साथ में चर्च लेके चलता हूं, चल चर्च चलते हैं, चल बहन चल, अपनी बहन को भी साथ ले आया। और रास्ते में चलते चलते फिर इसको ठोकर लगा, फिर गिर गए, फिर गिरा, खड़ा हो जल्दी जल्दी, फिर दोबारा घर गया अपनी बहन को लेकर। फिर इसने कहा जब कपड़े बदल ही लिए, कह रहा चल भाई को भी साथ ले चलता हूं, भाई को भी घर से, कह रहा चल यार, कह रहा पता नहीं दोबारा क्यों आया हूं, तेरे लिए आया हूं, चल तू भी चल। विश्वास नहीं करते थे वो, लेकिन उनको डांट कर पुचकार कर कैसे भी लेकर आया चर्च में। और उसी समय तीसरी बार जा रहा था, कह रहा चलो अब तो चर्च पहुंच ही जाएंगे, रास्ते में फिर खड्डा आया, फिर गिर गया, फिर गिरा, फिर घर गया, फिर घर गया, इस बार अपनी माँ को लेकर आया उधर से, अपनी बहन को भी ले आया, भाई को भी ले आया, माँ को भी ले आया, फिर चर्च जा रहा था। और रास्ते में एक आदमी मिला, उसको लालटेन दिखाने लगा, उसने कहा उरे ये खड्डा मुझे नहीं दिख रहा था, कहता इस खड्डे में मैं बार बार गिर गया, मुझे नहीं दिख रहा था,
कहता ओहो, कहता लालटेन वाले भाई साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे दिखा दिया, कह रहा ये खड्डे में बार बार गिर रहा था मैं, थैंक यू। और उसी समय जब उसका धन्यवाद कर रहा था, उसने कहा आपका नाम क्या है? कहता मेरा नाम शैतान है, लूसीफर। कहता है तूने मुझे क्यों दिखाया रास्ता? कहता मेरे बाप, कह रहा है पहली बार तेरे पर प्रॉब्लम डाली, अपनी बहन को लेकर आ गया। दूसरी बार प्रॉब्लम डाली, अपने भाई को लेकर आ गया। तीसरी बार प्रॉब्लम डाली, कह रहा अपनी माँ को लेकर आ गया। चौथी बार प्रॉब्लम डालूंगा, कह रहा तेरे घर में सिर्फ बाप बचा है, उसको भी ना लेके आ जाए। कह रहा जा मेरे बाप, तेरा रास्ता छोड़ दिया, जा चला जा तू, चला जा। समझ में आया कि नहीं? हाँ या ना? समझ में आया? आपके ऊपर एक प्रॉब्लम आपके लिए घराने को बचाने के लिए आती है। हालेलुया, आमीन। पहली बार गए, सुन रहे हैं कि नहीं? और पूरा घराना बच गया। किसके कारण? उस व्यक्ति के कारण। इस लड़के ने कितने चांटे खाए अभी मेरे से, कितने ठुड्डे खाए मेरे से, कितनी बार खड्डे में गिरा, कितना ऐसे परफ्यूम लगा के आया होगा बेचारा, कितने कपड़े गंदे हो गए इसके, लेकिन इसने सब कुछ सह लिया अपने परिवार के लिए, अपने प्रभु के लिए। परमेश्वर कह रहा है, कह रहा जा, कह रहा तूने मेरे चैलेंज को स्वीकार किया है, तूने शैतान के चैलेंज को स्वीकार किया है, आज के बाद कह रहा शैतान लालटेन लिए खड़ा होगा तुम्हें, कह रहा गवर्नमेंट जॉब का रास्ता वही दिखा कर जाएगा यीशु मसीह के नाम में, कह रहा छोड़ कर जाएगा तुम्हारा रास्ता, तुम्हारा घर जिसने पकड़ लिया छोड़ेगा, तुम्हारा बच्चा अगर हड्डियां बीमारियां पकड़ लिया, लीवर पकड़ लिया छोड़ेगा आज रात, क्योंकि तुमने परमेश्वर का रास्ता छोड़ा नहीं है चर्च, तुमने बदी के रास्ते पर चलना नहीं सीखा है, तुमने परमेश्वर के रास्ते को छोड़ा नहीं है, तुमने सत्य मार्ग और जीवन का रास्ता पकड़ लिया है। हालेलुया। पवित्र आत्मा कह रहा है, कह रहा ऐसे लोगों के लिए आज, कह रहा बाहर निकलते ही, कह रहा एक कुआं उनकी आंखों को दिखा कर जाएगा परमेश्वर, आमीन। एक नई शॉप खुलेगी आज, आमीन। बांझपन के लिए बच्चे वाला कुआं आएगा, आमीन। कह रहा गवर्नमेंट जॉब का कुआं आ जाए, आमीन बोलने वालों के लिए। लूका 24 के 30-31 में क्या लिखा? जब वह उनके साथ भोजन करने बैठा, सुनो क्या लिखा, जब वह उनके साथ, कौन? यीशु जब उनके साथ भोजन करने बैठा, तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया, हाँ, और उसे तोड़कर उनको देने लगा, हाँ, तब उनकी आंखें खुल गई, हाँ, और उन्होंने उसे पहचान लिया और वह उनकी आंखों से छिप गया। बोला हालेलुया, हालेलुया। सुन रहे हो ध्यान से? यीशु मसीह ने जब रोटी तोड़ी और अपने चेलों को दी तो उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने पहचान लिया यही सच्चा परमेश्वर है, यही मर के जी उठा है, आमीन। यही हमारे दुखों को दूर कर सकता है, आमीन। यही हमारे कर्जों को हटा सकता है, यही हमें खड्डे में से बाहर निकाल सकता है, आमीन। यही हमें आशीषित कर सकता है, आमीन। यही हमें बीमारियों से भगा सकता है। पहले आदम ने सेब खाया, सारे बोलो पहले आदम ने सेब खाया, उसकी आंखें खुली, लिखा कि नहीं? कह रहा दूसरे आदमी ने, आज आप आदम ने, आज मेरा दिया हुआ प्रभु भोज खाओगे, आपकी आंखें खुलेंगी यीशु मसीह के नाम में, आपकी आंखें खुलेंगी, आपको विदेश जाने का कुआ नजर आएगा, वो प्लेन नजर आएगा चर्च, जो आपके लिए तैयार किया गया है परमेश्वर ने, वो जॉब जो आपको देना चाहता है पहचान लोगे मेरे लिए, आज से आप पहचान लोगे ये प्रभु भोज लेने के बाद कि ये चर्च, ये पास्टर, ये प्रॉफिट मेरे लिए, ये पहचान लोगे यीशु मसीह के नाम में, आशीष मेरे को इसी चर्च से आएगी, आमीन। इसी कुएं से मुझे आज कुछ मिलने वाला है, आमीन बोलने वालों आज आमीन। अपने हाथों को उठाओ और आज खाओ परमेश्वर कि मैंने जान लिया आज, मैंने जान लिया आज कि ये कुआं मेरे लिए, ये कुआं मेरे लिए, ये मुसीबतें, ये दुख, ये तकलीफ, ये समस्याएं मेरी बढ़ोतरी के लिए आई थी, मेरी बढ़ोतरी के लिए आई थी, ताकि मैं आज पंख चलाना सीख जाऊं, मैं चर्च जाना सीख जाऊं, मेरा घोंसला, मेरा आरामदायक जीवन तूने छुड़ाया, इसलिए तूने छुड़ाया क्या? ताकि मेरी आंखें खुल जाएं, आमीन। मैं चर्च जाना सीख जाऊं, आमीन। मैं सच्चे ईश्वर की पहचान करूं, आमीन। और आज मैं इस वचन को खाकर आज मेरी आत्मिक आंखें भी खुल गई आज, यस आमीन। और इस प्रभुओं को मैं खाऊंगा और आज मेरी आंखें खुल जाएंगी,
पवित्र आत्मा जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, जो चर्च में बैठे हैं, हर ब्रांच वाले जब ये प्रबोध लें, इनकी आत्मिक आंखें भी खुलें और इनके वो सच में गवर्नमेंट जॉब इनके लिए कहां पर है, चंगाई का कुआं कहां पर है, इनकी आंखें खुल जाएं आज। आमीन। आपकी गवाहियों वाली आंखें खुल जाएं। आमीन। करा शैतान की आंखें खुल गई आज इस वचन को सुनने के बाद, वो आपका पीछा करना बंद कर रहा है। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो शैतान की आंखें खोल दी तूने आज। बोलो घोंसले में बैठा रहेगा कि हिलाएं थोड़ा सा। पूछो पड़ोसी को घोंसले में बैठेगा कि हिलाऊं थोड़ा सा। सारे बोले हालेलुया। हालेलुया। एक आदमी आ रहा था कार में, हर संडे कार में आता था चर्च में, मस्जिद में, पुरानी ली थी उसने, आ रहा चला मजे से, हर संडे आ रहा एसी चला के, हर संडे ऐसे आता, पत्नी भी गप्पे मारते, आइसक्रीम खाते, परमेश्वर ने कहा कंफर्टेबल लाइफ हो गई इनकी। रास्ते में एसी खराब, टायर पंचर, कहा ये क्या परमेश्वर, हम तो आपके घर जा रहे थे। उसने कहा तू कंफर्टेबल हो गया ज्यादा। कह रहे जितने गाड़ी में बैठकर सोते भी नहीं आते, हालेलुया बोलते हुए तबला बजाते हुए हालेलुया। संडे का दिन मिला है, अगर दो घंटे लगते हैं गाड़ी में, अभी देखना यहां से जब जाएंगे आते तो कहेंगे पादरी ने थका दिया, तोड़ के भगा दिया भाई, गाड़ी में ऐसे लेट कर जा रहे होंगे पीछा। आंखें खुल जाएं। स्वर्गदूतों की आंखें नहीं खुलती जब तुम सो रहे होते हो, याद रखना आप सो रहे होते हैं, स्वर्गदूत को पता नहीं लगता कौन सी गली में जाना है। शाऊल कह रहा जब वो रोया, अंधा हो गया था, जब वो रोया प्रार्थना कर रहा था, कह रहा स्वर्गदूतों ने की आंखें खुल गई, उनके कान खुल गए और उनको एक आवाज आई, इस सीधी गली में शाऊल रहता है, उसको चंगा करना है। याद रखना संडे के दिन जितने लोग सोते हुए जाएंगे शैतान की आंखें खुली रहेंगी, उन पे हंसता रहेगा। और कह रहा जो जागते हुए जा रहे हैं, हालेलुया बोलते हुए जा रहे हैं, हालेलुया फिर भी बाइबल पढ़ते जा रहे हैं। हालेलुया। मैं कार वाले को नहीं कह रहा हूँ, कार तू चला, अपनी पत्नी को ना ठोक दियो आगे, कार चला ड्राइवर, मैं कह रहा हूँ कि तू ड्राइवर है, तू चला बाइक चला, लेकिन तू हालेलुया बोलता जा। हालेलुया। कह रहा परमेश्वर की महिमा करता जा, क्योंकि आज रात कह रहे के स्वर्गदूत तेरी आंखें खोल कर जाएंगे, एक बड़ी गवाही बनाएंगे। आमीन। तैयार है कि नहीं? आइए अपने प्रभु बोझ को उठाएं और इसी समय सब लेंगे खोल कर और तैयार हो जाएं। आज कहें परमेश्वर ये प्रभु बोझ, परमेश्वर ये प्रभु बोझ, आज जो ऑनलाइन में पवित्र आत्मा हर ब्रांच में जो समय देख रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, इसे लेने से पहले पवित्र आत्मा जी अपने लिए पश्चाताप करें पवित्र आत्मा जी। आज जितनों ने पश्चाताप कर लिया मेरे प्रभु, इनका घराना छुड़ाया जाए यीशु मसीह के नाम में, इनका घराना छुड़ाया जाए, इनको आशीष मिलने पाए। आमीन। और इसी समय प्रभु इसे लेने के बाद शैतान की ताकत लूज हो जाए, इनके ऊपर नया अभिषेक उतरे, प्रार्थना करने का मस्सा उतरे, आमीन, इनके घर में कमाने का मस्सा उतरे, आमीन, आज इनके हाथ कमाने वाले हो जाएं, आमीन, इनके बच्चे आशीषित हो जाएं, आमीन, आमीन बोलने वाले आशीष को पाएं, आमीन। बोलो प्रभु मेरी आंखें खोल दे, प्रभु मेरी आंखें खोल दे, मेरा पिता की भी आंखें खोल दे, मेरे उस परिवार के मेंबर की आंखें खोल दे, परिवार के मेंबर की आंखें खोल दे जो तेरे नाम का विरोध करता है, तेरे नाम का विरोध करता है, उस शत्रु की आंखें खोल दे, शत्रु की आंखें खोल दे जो तेरे नाम का विरोध करता है, तेरे नाम का विरोध करता है। परमेश्वर, परमेश्वर हम इसे प्रभु बोझ को, प्रभु बोझ को विश्वास के साथ ले लेते हैं क्योंकि तूने अपने चेलों के साथ रोटी तोड़ी और उनकी आंखें खोल दी। आज जो मेरे साथ परमेश्वर रोटी तोड़े और खाएं, मेरे प्रभु उनके सारे बिजनेस खुल जाएं, उनके बच्चों के कारोबार खुल जाएं, आमीन, उनका कोई बीमारी का हिस्सा है, शरीर का अंग आज खुल जाए यीशु के नाम में, आमीन, आमीन बोलने वाले खुल रहे हैं, आमीन, आमीन, आमीन। आप ले सकते हैं, जितनों ने लिया वो आजाद हो गए आज। आमीन। बोलो हालेलुया।
अपने हाथों को उठाओ और जोर से तारीफ करो यीशु के नाम में। आज से आपका बिजनेस, आपके बच्चे, आपकी जॉब बदल जाएगी यीशु मसीह के नाम में, चेंज हो जाएगी आज से यीशु मसीह के नाम में। आप गुड न्यूज को देखेंगे, बोलो हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं आज, जिसने प्रभु बोझ लिया उसकी जिंदगियों में आशीष आ गया। आमीन, बोलो हालेलुया। मैं किसी अनीता को देख रहा हूं, अनीता, हाँ, क्या करती है वो, किस चीज में, कितना उम्र हो गया उसका, जो अनीता नाम वाले हैं, परमेश्वर कह रहा है तुम्हारे आंसुओं को पूछने के लिए जा रहा है परमेश्वर। आमेन। नया कारोबार खुलने के लिए जा रहा है। आमेन। हर आशीष को परमेश्वर खोल रहा है। वहीं खड़े हो जाओ, कहां से आए हो आप, सुनो ध्यान से। हाँ हाँ, क्या नाम है आपका, अनीता। हाँ वहीं खड़े हो जाओ, वहीं खड़े रहो। अनीता सुनो, जिस बच्चे की तू टेंशन कर रही है, मैं क्या कह रहा हूं, माइक कर, माइक, क्या हुआ था तेरे बच्चे को, एक्सीडेंट हो गया था पापा। होली स्पिरिट ने मेरे को बोला इसके बच्चे का एक्सीडेंट हो गया था, मौत के मुंह में चला गया था। अभी भी टेंशन करती है, आज रात परमेश्वर ने बिल्कुल चंगा कर दिया। हालेलुया। क्या नाम है आपका, अनीता। अनीता, मुझे नहीं चाहिए दूसरी सुनीता। हालेलुया। सुनो, हालेलुया। हाँ हाँ, अनीता वो मेरे को जानती नहीं है, कहां से आए आप, लुधियाने से। देखो आप कहाँ से आए, बागा पुराना, मोगा के पास, डिस्ट्रिक्ट का नाम बोलो बस। हाँ मोगा, सुनना ध्यान से, बैठना सबने, अभी मिराई का लोग आपके साथ, विश्वास करने वाले आशीष को लेकर जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, प्रभु बोध ले लो और सारी ब्रांचों में सबके ऊपर रुमाल लगा दो। पवित्र आत्मा जी, प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता, हर ब्रांच में आशीष ठहरने पाए। अब हमारे पिता प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, उसका अनुग्रह, उसकी शांति युगानुयुग हम सबके साथ बने रहे। बोला आमीन। आमीन। हाँ हाँ, हालेलुया। सुनो परमेश्वर का तो बड़ा, अनीता बहुत सारे ब्लैक मैजिक शुरू हो रहे हैं, आपका हस्बैंड है साथ में, इसके काम को बांध दिया, एक स्नेक आकर बैठ गया, मैं देख रहा हूं, और पवित्र आत्मा मेरे से बात कर रहा है। आप चाहते हैं कि इसका काम खुल जाए, चाहते हैं आप, तो परमेश्वर आज आपके कामों को खोलना चाहता है। यस आमीन। मैं से देख रहा हूँ, कोई पार्लर का काम कौन करता है, पार्लर, आपका पार्लर है, शैतान बांध रहा था। फिर मैं देख रहा हूँ कोई जैसे फ्रूट, गेहूं, अनाज, ऐसे कोई जाता है कोई जहाँ मंडी लगती है। मेरे हस्बैंड काम करते हैं। क्या काम करते हैं, मंडी। जोर से बोलो, सब्जी मंडी में। एक मिनट, सब्जी मंडी में। तारीफ करें जोर से यीशु मसीह के नाम। काम रुके हुए, सुनो विश्वास से कह रहा हूँ, होली स्पिरिट आपके ये पूरे 21 दिन के बाद बड़े तगड़े कामों को खोलने के लिए जा रहा है। वो श्राप अब आपके ऊपर से टूट रहा है। एक सोनू के लिए आपको प्रार्थना करनी है, आप उसको जानते हो कौन है वो, मेरे चाचे का लड़का है, मेरे चाचे का लड़का है, चाचे का लड़का है, विश्वास नहीं करता, बहुत बोलता है। हाँ जी। सही कह रहा हूँ नहीं? यस यस। मेरे को कैसे मालूम, होली स्पिरिट कह रहा है आज रात उसका घराना भी बचाया जाएगा यीशु मसीह के नाम में।
पवित्र आत्मा काम करेगा और लोग बोल रहे हैं आपको क्या मिला, तेरे को क्या मिला, विश्वास करके 21 दिन के बाद राजा बनने वाला तो यीशु के नाम में। राजा की तरह खाएगा, तेरे पड़ोस में इतने लोग धनी नहीं होंगे जितना तू धनी होगा आज के बाद। सिर्फ ये 3 महीने के अंदर अंदर सब कुछ होगा, उसे काम बढ़ेगा, आशीष आएंगे यीशु के नाम में। मेरे हाथ की तरफ देखो और इसी समय संतोष तारीफ करें जोर से। सुनो, समझ में आ गया, मैं तेरे पूरे कुनबे के नाम ले रहा हूँ। परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, कह रहा जहां से ब्लैक मैजिक शुरू हुआ खत्म हो गया। हालेलुया, कुछ तो जोर मुझे लगाना पड़ता है, साउंड द्वारा चेंज होना चाहिए। अगले संडे तू नहीं रहेगा और मैं ही आऊंगा तेरे को चेंज करने शनिवार को। अपने हाथों को उठाओ, शाबाश, विश्वास करना है आपको। प्रभु का आत्मा आपकी जिंदगी में काम करेगा यीशु मसीह के नाम में। मेरे हाथ की तरफ देखो और आजाद हो रहे अब से आप, निकल जाए वो गंदी स्पिरिट, आंख बंद करो और निकल रही तेरे अंदर से, आउट, चल चिल्ला और निकल जा, फायर। ओ मेरे यीशु का मसा, बाहर आए यीशु का, ओ मेरे यीशु का मसा, बाहर आए ओ मेरे यीशु का मसा, मसा यीशु का, ओ निकलो मसा यीशु का, ओ मेरे यीशु का मसा। हाँ बंधन टूटते देर लगे ना, कैदी छूटते देर लगे ना, कर देता है रे हाँ यीशु का कर। सुनो, देखो आपकी पत्नी के ऊपर जोर आ रहा है और निकल रहा है वो मेरे बोलती है, अब जाओ फ्री फ्री, बिजनेस दोनों के खुल जाए आज से यीशु के नाम में। ये गया फायर, फ्री हो जाए, आजाद हो जाए यीशु के नाम में। ओ मेरे यीशु का मसा, मसा यीशु का, ओ मेरे यीशु का मसा, मसा यीशु का, ओ मेरे यीशु का मसा, मसा यीशु का। बोलो हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि आज परमेश्वर का आत्मा तुझे छुए? यस, चाहते हो आज? यस, आपके ऊपर। ओए नीचे बैठ जाओ वॉलंटियर, गंदी आदत पाल रखी तुमने। सुनो, जितने भी लोग इस समय यहां पर हाथ उठा रहे हैं, आजाद हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं कोई ब्लाइंड है और चश्मा लगा हुआ है। हालेलुया, हाँ उठो, अच्छा ये तेरा विश्वास है, शाबाश, मुझे और गलत बोल। हाँ सुनेंगे, हाँ बेटे मैं करो, कहाँ से आए बेटे? होशियारपुर, होशियारपुर से। बेटे कब से ये प्रॉब्लम ब्लाइंड? ब्रदर जी बचपन से, दोनों दो बचपन से देख नहीं पाते डॉक्टर, दोनों ब्रदर ब्लाइंड है। एक ब्रदर मगर बैठा है, एक भाई कहाँ पर है? मगर बैठा है। मगर क्या होता है? अच्छा पीछे बैठा है, मैं क्या मगर मच्छ आ गया। सुनो, सुनना ध्यान से, हाँ बाहर निकाल से, फिर से कहूँ। हाँ बंधन टूटते देर लगे ना, कैदी छूटते देर लगे ना, बंधन टूटते देर लगे ना, कैदी छूटते देर, कर देता है रे हाँ मसा यीशु का, कर देता है रे हाँ मसा यीशु का, ओ मेरे यीशु का मसा, मसा यीशु का, ओ मेरे यीशु का मसा, मसा यीशु का, ओ मेरे यीशु का मसा।
लागे सुनाओ मेरे आंसू की हड्डियों में जान भर दे मुर्दा लाज को जिंदा कर दे आंसू की हड्डियों में जान भर दे मुर्दा लाज को कितने लोगों को पता है कि यीशु मसीह ने मिट्टी को उठाया और उसमें थूक दिया यहीं से उठा ले मिट्टी थोड़ी सी कितने नीचे बैठ जाओ नीचे बाजार में नहीं आए तुम नीचे बैठो बेटे आप बैठा करो आशीष मिलेगी जल्दबाजी ना करो देखो दिखा बस सुनो देखो कितने लोगों को बाइबल ने पता है यीशु मसीह ने मिट्टी उठाई और अंधे की आंख पर लगा दिया और अंधा चंगा हो गया क्या आप विश्वास करते हैं माइक करो सुनो क्या आप विश्वास करते हैं यस पापा देखो ये बेचारा बचपन से अंधा कहां से आए होशियारपुर से सब लोग इसके लिए हाथ बढ़ाओ के चंगा हो जाए इसकी आंखें आप देख रहे हैं इस भाई को दिखता नहीं है और मैं इसकी आंखें बंद करा बंद करो और मैं पवित्र आत्मा जी इस मिट्टी को लगाता हूं यीशु मसीह के नाम में और इस समय ब्लेसिंग आने पाए यीशु मसीह के नाम में और इसी समय इसकी आशीषें खुलने पाए चश्मा देश का फ्री हो जाओ यीशु मसीह के नाम में मैं अभी पवित्र आत्मा आपको छूना चाहता है विश्वास करते हो यस पापा मैंने अभी सुनो चश्मा उतारो अपना चलो दो कदम आंखों पे कैमरा रख आंख की चंगाई है कान की नहीं है नाक की नहीं है इसकी आंख देख रहे हैं आप और मैं देख रहा हूं किधर हूं चलो आ जाओ हालेलुया सुनो आपने देख लिया ये अंडा है अब समझ में आ गया कि नहीं नहीं तो इतने देर में तो बहरा भी बात सुन के इधर आ जाता है समझ आ गया कि नहीं असली प्रार्थना आप करेंगे नहीं तो सोच रहे थे शायद नहीं ऐसे ही होगा नहीं ये स्पेशल लेंड वाली प्रार्थना है अबलाबा शबलाबा बलाबा शबलाबा पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूं इस बच्चे की आंखों को खोल दे खोलो यीशु के नाम में पैर भी सीधे हो जाएं चलो सुनो अभी मेरे पीछे चलो आओ शाबाश देखो पकड़ो मेरे को Hallelujah!
यस प्रॉब्लम दिख रही है मुझे। हाँ हाँ माइक है जी। पैर सोन हो जाते हैं मेरे। खड़े खड़े हैं। हाँ जी ठीक है। इसका कान पकड़ो, कान इस लड़के, आँख खोलो, आँख खोलो। हाँ आगे बैठ थोड़ा। इसका कान पकड़ो, कान का देखो। Glory to Jesus। इसका नाक पकड़ो, नाक। हालेलुया। अभी क्या दिख रहा है आपको? अभी प्रॉपर्टी दिखता थोड़ा थोड़ा। अभी क्या दिख रहा है? अभी क्या दिख रहा है? इधर देखो, इस लड़के ने क्या दिख रहा है आपको? धुंधला दिख रहा है। मैं कह रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं, जो पूछ रहा हूं। क्या दिख रहा है? धुंधला दिखाई देता है। अभी इसके सामने देखो क्या दिख रहा है आपको? इस लड़के फिर क्या दिख रहा है? लड़का दिख रहा है। हाँ जी। सांप दिख रहा है? नहीं सांप नहीं, धुंधला। अभी धुंधला दिख रहा है? जैसे पहचान नहीं होता, मतलब कैसे पहचान नहीं हो रहा? क्या डाला हुआ इसने? पापा जी ऐसे पहचान होता। हाथ नहीं, इसको, इसका हाथ पकड़ो, ऊपर उठाओ। शाबाश, तारीफ करो जोर से। ये टोटल ब्लाइंड है। कह रहे हैं कि जब टोटल ब्लाइंड देखने लगा तो वो पहले धुंधला देखने लगा था, और प्रभु ने फिर उसे पूछा तो वो सांप देखने लगा। कह रहा आज से तू साफ साफ देखने लगेगा यीशु मसीह के नाम में। आमेन। अपने हाथों को उठाओ जोर से, तारीफ करो। शाबाश। व्हील चेयर वाले बाहर ले, जो बेड पर जिन्होंने स्टेशन कराया, सिर्फ वो लोग अपने हाथों को उठाओ। गीत गाएं। शाबाश। हालेलुया बोलो, हालेलुया, हालेलुया बोलो, हालेलुया। जैसे क्या, फटाफट अपने हाथों को उठाओ। शाबाश। थैंक यू जीसस। आए इधर का कैमरा। हाँ हाँ शाबाश। अपने हाथों को उठाओ। शाबाश। बंधन टूटते तेरे लगे ना। लाली इधर दिखा, दूसरा कैमरा दिखा। शाबाश। हाँ चलो आ जाओ, आ जाओ। शाबाश। ला रुमाल लेकर आ। शाबाश। भेजी अग्नि दे, रूपी अग्नि दे, भेजी अग्नि दे, रूपी अग्नि दे, भेजी अग्नि, रू है बाप की अग्नि दे, भेजी अग्नि दे, रूपी अग्नि दे। हालेलुया। ऐ गंदी आत्माओं, जाओ। अपाहिज करने वाली, डंडे पकड़ाने वाली, बेल्टे लगाने वाली, कमर में स्पाइन प्रॉब्लम कराने, नीचे बैठ जाओ। बाकी इसी समय आप आजाद हो रहे हैं, निकल रहे हैं। आउट, ए बाहर आ, चल पीछे कर, पीछे कर। फायर। देखो अभी आपके सामने डंडे पकड़ के चलता था और एक दुष्ट आत्मा ने इसे पकड़ा हुआ था। फ्री। यीशु के नाम में स्टैंड अप, स्टैंड अप। हाँ पकड़ो। उठो। देखो
अभी आप चलो कैसे चलते, चलो चलो चल चल के दिखाओ, चलो दौड़े के लकड़े भी दौड़े। दौड़ने वाला गाना है नहीं है इधर, हाँ चलो इधर लेना इनको, इधर चल इधर इधर आ, शाबाश हाँ बेटे शाबाश। सुन अभी मैंने हाथ रखा है, अब आप विश्वास करो, छोड़ दो डंडे ये, हटा बेटे इसके हाथ से, चलो शूट दे बंधन तू।